अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटाटेक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स, व्हिच इज द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था सब्सटेंस और सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में। हमने ये कहा था कि सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर का, और फिर हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया था इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम सब्सटेंस को पढ़ चुके हैं और दूसरी लेक्चर को हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक्चुअली डिफरेंट एलिमेंट्स से बना होता है। इसको हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली जो है कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स है। लेकिन उनके लिए दो शराइत है। पहला शर्त ये है कि ये कम्बिनेशन जो होगा ये केमिकल कम्बिनेशन होगा, और दूसरा शर्त ये है कि यहाँ पे जो रेशो होगी वो फिक्स्ड होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है कि कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस ऑब्टेंड इन द केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन की नतीजे में जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। लेकिन ये केमिकल कम्बिनेशन क्या होगा? ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये केमिकल कम्बिनेशन जो होगा ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान होगा, और ये कम्बिनेशन जो होगा इसमें जो रेशो होगी वो फिक्स्ड होगी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है फिक्स्ड रेशो। सो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशो में केमिकली कम्बाइन हो जाए तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड। यहाँ पे अगर आप देखें वाटर जो है, यहाँ पे वाटर में हमारे पास दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का होता है। ये जब हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन एक होगा तो वो हमें रिजल्ट में देगा कंपाउंड। अगर अब इस रेशो को हम चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि H2O2 हो जाए, तो अब क्या होगा? अब इसको हम वाटर नहीं कह सकेंगे। ये हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो फिक्स्ड रेशो से मुराद क्या है कि कंपाउंड में रेशो जो होगी वो फिक्स्ड होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट यहाँ पे केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन से मुराद ये है कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना होता है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन भी हमारे पास गैशियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में होता है, लेकिन हमें जो वाटर मिलता है वो लिक्विड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं। इस किस्म की कम्बिनेशन को हम कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। और साथ साथ केमिकल कम्बिनेशन में हमेशा के लिए न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो इसलिए ये हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने केमिकल कम्बिनेशन का डिफिनीशन लिखा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट्स लॉस दियर प्रॉपर्टीज। कंपाउंड जिन कंपोनेंट से बना होता है, जिन कंस्टिट्यूएंट से बना होता है वो कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं, और दूसरा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे H2O में अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेशो है 2:1, लेकिन ये रेशो जो है बाई वॉल्यूम है कि हमारे पास हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन का वन एलिमेंट है, दोनों की रेशियो जो बाई वॉल्यूम है वो है 2:1। अगर हम मास की बात करें तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास की रेशियो है वो है 1:8। स्टूडेंट्स, ये 1:8 किस तरह आता है? यहाँ पे H2O, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है तो टोटल मास आ जाएगा हाइड्रोजन का 2 × 1। एक हाइड्रोजन एलिमेंट का जो मास है वो है 1, और यहाँ पे दो है तो 2 × 1 आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो है 16, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 2:16। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2 एंड
टू एट द 16, तो यहाँ पे बाई मास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 है। अब स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? तो केमिकल कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? यहाँ पे अगर आप वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H2O इसका केमिकल फार्मूला है। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। इसी तरह वाटर में हमारे पास क्या क्या है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड का, लेकिन यहाँ पे ये हमें बताता है एलिमेंट्स के बारे में कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और दूसरा उन एलिमेंट्स की रेशियो क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला क्या है। द केमिकल रिप्रेजेंटेशन डेट टेल्स अस अबाउट द एलिमेंट्स एंड दियर रेशियो इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो है एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं और उन एलिमेंट्स की रेशियो क्या है, ये हमें केमिकल फार्मूला बताता है। तो ये हो गया केमिकल फार्मूला का डिफिनीशन। तो H2O में हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स मौजूद है और रेशियो जो है ये एलिमेंट्स हो गए और रेशियो जो है वो है 2:1। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।